नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी जो ऑफिसर्स लेवल की हुई थी, आखिरकार वह कैंसिल हो गई है और उसमें क्या बताया गया है, इस वीडियो में आज इसके माध्यम से बताऊंगा। और दानापुर यारो, गया, कटिहार और मुजफ्फरपुर यारो वाले जो भी नौजवान हैं, सभी अपना अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। एडमिट कार्ड आप सभी का आ गया है, डेट क्वालिफाई आपका डेट आ चुका है, आप साइड में देख रहे हैं, डेट आप लोग का क्लियर हो चुका है। दानापुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सभी जितने भी युवा हैं और गया यारो, सभी यारो, सभी सब तीन चार यारो जो हैं, सभी यारो का एडमिट कार्ड आ चुका है, आप सभी देख सकते हैं। और आप सभी का शेड्यूल भी आ चुका है, भर्ती कब से कब चलेगी यह आपकी हो गई है डिटेल, आप साइड में देख रहे होंगे। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बात करो, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स एंट्री की वैकेंसी जो 12 मेल की वैकेंसी आई थी, एक फीमेल की वैकेंसी आई हुई थी, वह भर्तियां जिसका पीआईबी इंटरव्यू, पीआईबी पर्सनल प्रीवली इंटरव्यू बोर्ड जिसका एग्ज़ाम हुआ था 25 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था टेरिटोरियल आर्मी की, वह आखिरकार कैंसिल कर दी गई है। सभी को मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है कि इसकी जो वैकेंसी जो आई हुई थी इसको कैंसिल कर दिया गया है और इसकी इसकी जो अगला जो रिटर्न डेट होंगे वह दिसंबर की महीने में होगी, जो कि ईमेल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। और इसमें अब बहुत सारे युवा कहेंगे कि आखिरकार ऑफिसर्स की वैकेंसी को क्यों कैंसिल किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑफिसर्स की वैकेंसी कुछ टेक्निकल इशू के वजह से इनको कैंसिल किया गया है। इनकी वैकेंसियाँ आप दिसंबर के महीने में इनकी रिटर्न एग्ज़ाम कराई जाएगी और टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसियाँ बहुत जल्द खुल रही है, आप सभी तैयारियाँ करते रहें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑफिसर जो है टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, इसकी डिटेल चेक करने के लिए आप www.territorialarmy.gov.in पर जाके चेक कर सकते हैं। और आपको ईमेल के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है सभी को कि टेरिटोरियल आर्मी। और आप एक चीज़ और इसमें आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आपका एक त्रुटि होगी कि आखिरकार इसमें फिर फॉर्म भरा जाएगा क्या, फिर क्या इसका प्रक्रिया होगी, तो मैं बताना चाहता हूं इसमें किसी प्रकार के कोई फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑफिसर्स की ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जो कैंडिडेट एलिजिबल थे, जो 25 सितंबर को रिटर्न दिए थे, वह एलिजिबल कैंडिडेट, उनको सिर्फ ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट www.territorialarmy.gov.in पर आ गई है, आप वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ना तो इसमें फॉर्म भरने की ज़रूरत है उनको और ना इसमें किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है, तो आप समझ गए होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड मैं जानकारियाँ आपको भारतीय प्रादेशिक सेना एवं भारतीय सेना से रिलेटेड जानकारियाँ आपको पहुँचाना चाहता था, मैं आपको पहुँचाया। और महादेव डिफेंस अड्डा ऐसा चैनल है जो सटीक और सही जानकारियाँ भारत देश के अंदर सबसे पहले और सटीक और सही जानकारियाँ सोर्सेज माध्यम से या जो भी माध्यम से आपको मैं देते रहता हूँ। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, चैनल का हिस्सा जरूर बने। सबसे तेज खबर हमारी चैनल के माध्यम से दिया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां जोन 1, जोन 2 और जोन 3-4 के अंदर सभी जोन की भर्तियां बहुत जल्द खुल रही है, डिस्कशन फाइनल हो जाएगी, बस मैं तो आपको सब बता दूंगा। और टीए की अभी एक सर्विसमैन की भर्तियां फिर से चालू हो गई है, जो कि 137 इकोलॉजिकल बटालियन टीए की गोरखा 39 गोरखा राइफल प्रयागराज के अंदर भर्तियां 15 नवंबर से स्टार्ट कर रही है। तो आप लोग को इतना मैं बताना चाहता हूँ कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियाँ बंद नहीं हुई है। बहुत सारे युवा कल के डेट में कॉल किए थे कि भर्तियां आखिरकार बंद हो गई, बंद नहीं हुए, टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां खुल रही है, बहुत जल्द खुलेगी। किसी भी प्रकार का कोई यदि YouTube के अंदर अफवाह फैला रहे हैं तो उससे आप यथाशीघ्र बचें। मैं आपको बराबर बताता हूं कि महादेव डिफेंस अड्डा एक ऐसा सटीक सही जानकारियां सबसे तेज खबर लाने का प्रयास करता है। हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करने का काम करें और लाइक जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।